आखिर कब तक चंद लोगों से मां शारदा की पवित्र नगरी को लोग कलंकित करते रहेंगे? प्रशासन क्यों नहीं कार्यवाही कर पाती ऐसे लोगों पर? मेहर त्रिपाठी प्रसाद दुकान वाला की साथ गांठ से रोपवे में वीआईपी व्यवस्था की जाती है। खुद अनिल त्रिपाठी गाड़ी वालों को वीआईपी रोपवे व दर्शन कराने की बात पर अपने दुकानों में ले जाते हैं और ये सारी सुविधा उपलब्ध कराने में काफी समय से नरसिंह भगवान में बैठने वाले बबलू त्रिपाठी और रोपवे दास व सिक्योरिटी गार्ड के सहयोग से खुलेआम गुंडई चल रही है। दूसरे दुकानदारों की दुकानों में व्यापार नहीं करने दिया जाता। यही नहीं, मेहर विधायक के बहन के लड़का बताकर शासन प्रशासन व हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को भी जेब में रखने की बात करता है। के बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहर विधायक के आड़ में किस तरह आम दुकानदारों की दुकानों से ग्राहकों को खींच लेता है। जब सारी सुविधा वीआईपी किसी एक दुकान में मिल जाएगी तो कौन भक्त होगा कि दूसरे की दुकान में जाएगा। सूत्र यह भी दावा करते हैं कि रोपवे में बैठे वीआईपी के ठेकेदार त्रिपाठी प्रसाद के लिए स्पेशल ऑर्डर विधायक द्वारा मिला है कि किसी भी तरह से रोपवे मैनेजमेंट अधिकारी पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे भक्त व मेहर क्षेत्र की जनता सब समझती है। सतना मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। 130 रुपए टिकट है। 130 रुपए आना जाना है। आपको लगाओ, आपको लाना तो यहीं लगा दीजिए, मैं लगवा देता हूँ। नाइज ना मूड़न जहाँ होता है वहीं पे मिलता है, सीढ़ी के पास। हाँ, मुंडन में से होता है। यहाँ लगा, आप यहीं लगा दीजिए। आप यहीं लगा दीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दुकान सामने लगाई ना। तो मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, तो टिकट लाने के लिए क्या वो ठेका लिया है? ठेका लिया, वीआईपी बैठा ले जाऊंगा, इसीलिए लगवाता हूँ। चलो ठीक है, ले जाओ। भैया पैसा देगा।